नागपुर के महाल के बस्ती में एक 40 फीट ऊंचे पेड़ पर नायलॉन मंजा में फंसे कोयल पक्षी को अग्निशामक दल द्वारा सुरक्षित निकाला गया। विस्तार पूर्वक इस घटना की जानकारी यह है कि 17 तारीख को दोपहर चिटनिसपुरा झेंडा चौक महाल के बस्ती में एक ऊंचे पेड़ पर नायलॉन मांजा में एक पंछी फंसा हुआ। ये जानकारी स्थानीय व्यक्ति अंकित घोबे द्वारा स्वप्निल बोधाने और पीयूष आकरे को मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचे। तब तक फायर ब्रिगेड दस्ता भी पहुंच चुका था। पेड़ की ऊंचाई जमीन से अधिक होने के कारण नायलॉन मांजा में उलझे पंछी को निकालने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। लगभग एक घंटे में उस पंछी को निकालने में अग्निशामक दस्ते को सफलता हासिल हुई। मांजा से जख्मी होने वाला पंछी कोयल जाति का था। ये पंछी करीब 4-5 दिनों से मांजा में उलझा हुआ था। कोयल पंछी काफी समय मांजा में उलझा रहने के कारण उसके पैर पर सूजन बढ़ी थी और उसे अपनी 2 उंगलियां भी गंवानी पड़ी। भूखा प्यासा होने के कारण उसकी अवस्था लचर हो गई थी, इसलिए पंछी पर प्राथमिक उपचार कर उसे देखरेख में रखा गया था। मांजा से निकलने का प्रयास करते वक्त फड़फड़ाने के कारण स्थानीय लोगों का ध्यान उस तरफ खींचा चला गया था। आज उसके स्वास्थ्य में सुधार दिखते ही उसके पूर्व स्थान पर ले जाकर छोड़ा गया। नायलॉन मांजा बेचना और खरीदना दोनों पर प्रतिबंध होने के बावजूद लोगों की बढ़ती डिमांड के कारण पतंग विक्रेता नायलॉन मांजा अधिक दामों में छुप छुप कर बेचते हैं। नायलॉन मांजा के कारण हजारों पंछियों को अपनी जान हर साल गंवानी पड़ती है। इस जानलेवा मांजा के कारण राह चलते कई लोग जख्मी हुए हैं, कुछ लोगों की तो मौत भी हो चुकी है। ये मांजा सड़ता नहीं, पतंग उड़ाते समय पेड़ों पर, बिजली के खंभे, तारों, बिल्डिंगों पर लटका रहता है और इस समय पंछी अक्सर उड़ते समय इस मांजा में उलझ जाते हैं और मर जाते हैं। हर साल संस्था द्वारा अनेक पक्षियों को रेस्क्यू कर जीवन दान देने का प्रयास किया जाता है। सी टीवी न्यूज की विशेष प्रस्तुति।